हम बनाने जा रहे हैं चार प्रकार की चटनियाँ। पुदीने की हरी चटनी, मोमोज और दूसरे चाइनीज रेसिपी के साथ खाई जाने वाली टमाटर लहसुन की चटनी, धनिए की दो प्रकार की चटनी, एक दही के साथ एक बिना दही की। दही वाली चटनी आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में प्याज और सलाद के साथ खाई होगी। अक्सर हम घर में कई तरह की रेसिपीज बनाते हैं पर चटनी की जगह सॉस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे उस रेसिपी का टेस्ट उतना नहीं आ पाता, चटनी से ये टेस्ट डबल हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं चटनियाँ बनाना। पुदीने की चटनी के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम पुदीना, एक अम्बिया छील के मैंने काट के रखी हुई है, 3 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच काला नमक। हम इन सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। और इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे ये आसानी से पिस जाएगी। अब मिक्सर में हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। चटनी पिस चुकी है। पुदीने और अम्बिया हमें गर्मी के मौसम में ही मिलती है, जिसका मजा हम सिर्फ गर्मियों में ही ले सकते हैं इस चटनी का। इसकी खुशबू बहुत ही टेम्पटिंग होती है। हम इस चटनी को खाने में दाल चावल के साथ, ब्रेकफास्ट में चीले के साथ, सैंडविच के साथ या फिर टोस्टेड ब्रेड पर बटर की जगह चटनी लगा कर भी खा सकते हैं। मोमोज की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 10-12 लाल मिर्च, जिनको मैंने 10 मिनट पानी में उबाल कर रखा हुआ है, 2 टमाटर, इनको भी मैंने उबाल कर रखा हुआ है। अब इसका छिलका उतार कर हम मिक्सर में डालेंगे, 12 कली लहसुन की, जिसको मैंने छील कर रखा हुआ है, नमक स्वाद के अनुसार। ये चटनी बनाना बहुत ही सिंपल है, इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। बाजार में मिलने वाली चटनी अनहाइजीनिक होती है, बेटर है आप इस चटनी को घर पर ही बनाएं। ये चटनी बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसलिए आप घर में इसे झटपट बना सकते हैं। टमाटर का छिलका आसानी से उतर जाए, इसलिए मैंने इसमें ऊपर कट लगाया हुआ था। अब हम इसका छिलका उतार कर इसे मिक्सर में डालेंगे। देखिए आसानी से उतरता जा रहा है। अब इसमें हम सारे सामान, इसमें लाल मिर्च डालेंगे, लहसुन, नमक, और अब हम इसे पीस लेते हैं। हमारी चटनी पिस चुकी है। आप चाहें तो इसमें लहसुन कम भी डाल सकते हैं। मेरे घर में इस चटनी में चटक लहसुन पसंद है, इसलिए लहसुन थोड़ा ज्यादा रखा है। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर कम पसंद है तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लहसुन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। न केवल इस चटनी को हम मोमोज के साथ खा सकते हैं, बल्कि इसे इडली के साथ, स्प्रिंग रोल के साथ और बच्चों को इसको हल्का हल्का रोटी पर लगाकर भी सर्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये चटनी बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन ही पड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हल्का हल्का ही लगाकर सर्व करते हैं। ये की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम धनिया, जिसको मैंने साफ करके धो के मिक्सर में रखा हुआ है, 3 हरी मिर्च, 2 नींबू, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काला नमक, सादा नमक स्वाद के अनुसार, 2 चम्मच दही। दही ऑप्शनल है। मैं आपको दो तरह की चटनी बनाना बताऊंगी, एक दही के साथ और एक बिना दही की। धनिये में हरी मिर्च, हींग, जीरा, नमक डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने 3 चीजें छोड़ी हैं, नींबू, काला नमक और दही। दही हम रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनाने के लिए यूज करेंगे, जिसे कि आप अक्सर कर रेस्टोरेंट में सलाद के साथ खाते हैं। अब हम चटनी पीस लेते हैं। ये लीजिए हमारी चटनी तैयार है। आधी मैं इसमें निकाल रही हूँ और आधी में मैं दही मिलाऊंगी।
काला नमक और नींबू हम इसे सर्व करते टाइम ही डालें, जिससे एक तो चटनी काली नहीं पड़ती है और वो फ्रेश भी रहती है। हमारी चटनी बन गई है, अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। बाकी की चटनी में दही डालकर मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी धनिए की दही वाली चटनी भी बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, समोसे के साथ खा सकते हैं, सलाद के साथ खा सकते हैं। बाजार में सोया चाप और वेज कबाब के साथ यही चटनी मिलती है। अगर आप चाहें तो वेज कबाब की रेसिपी आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।